हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ जूही सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बक्सर के स्थानीय गोलंबर स्थित राष्ट्रीय दल यूनाइटेड के कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश संयोजक रमेश मिश्रा ने कहा कि शिक्षा और रोजगार की दिशा में बिहार काफी पीछे है। उनकी पहली प्राथमिकता बिहार में शिक्षा होगी और बेरोजगार को दूर करना। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में 7 बक्सर लोकसभा सीट से अनिल राय उर्फ भैया जी ने बक्सर से चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। सबसे पहले जो हमारे मुख्य संरक्षक अनिल राय भैया जी हैं, उनका शिक्षा पर विशेष फोकस है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वो शिक्षा पर पिछड़ा हुआ है और ये बड़ा ही एक गर्व और खुशी की बात है कि हमारे बीच में ऐसे उम्मीदवार मिले भैया जी। हम लोगों ने इनको प्रोत्साहित पर चुनाव लड़ने का आग्रह किया कि आप स्वयं बक्सर लोकसभा से लड़ें और जो है उन हर विवान के होश चीखने का। गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल परिसर में मतदाता जागरूकता उत्सव केंद्र का उद्घाटन जिला पदाधिकारी गोपालगंज अनिमेश पराशर ने किया। इस अवसर पर जिला अधिकारी ने कहा कि इस लोकतंत्र के महापर्व पर सारे मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोपालगंज जिले में महिला लिंगानुपात ज्यादा है, इसलिए यहाँ भी शपथ लिया गया कि महिलाएं को 100% वोट दिलवाई जाएगी। अपने हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की महिला को बारह मई 2019 को हम लोगों के यहाँ लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उसको लेकर के स्वीप गतिविधि मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम बहुत जोर शोर से हथुआ अनुमंडल में चल रहा है और उसी के तहत आज ये संकल्प जो है ये लिया गया है कि सारे मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाएगा और विशेष करके महिला वोटर हैं तो ये जिला में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है तो वो गोपालगंज जिले का है। तो यह भी संकल्प लिया गया जो हमारे सारे जो टीम है इनके द्वारा कि इसमें भी हम लोग सो एक नंबर पर जो भी महिलाएं जो मतदाता सूची में नाम है 100% आकर के मतदान करें और पूरा त्यौहार के रूप में ये लोकसभा का चुनाव को मनाने का संकल्प। अररिया के बथनाहा थाना परिसर में रामनवमी चैती दुर्गा पूजा व चैती छठ शांतिपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण संपन्न हो, इसे लेकर फारबिसगंज डीएसपी मनोज कुमार की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी को संबोधित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि रामनवमी के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्रा में किसी प्रकार की वाहन का प्रयोग नहीं होगा तथा आपसी सौहार्द्रे बना रहे इसका ध्यान सभी गणमान्य को देना होगा। नालंदा थाना क्षेत्र के निर्मल बिगहा गांव में समीप अनियंत्रित बाइक ने एक बुजुर्ग महिला की कुचल दिया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। दुर्घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने बिहार शरीफ राजगीर मार्ग पर आगजनी करते हुए सड़क जाम कर दिया। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया है। दिक्कत नहीं ना, जब आए थे पुलिस गाड़ी आया वो था सर, गया कि प्रणाम सर, चिंता था उसको, दो तो सिपाही था पहले, कैसे हुआ चोट, उसको भी चोट लगा था, चोट दिखाया, उसके बाद आगे गया, फिर उसको बुलाया, उसको आओ और बैठाया और लेके चला गया, गया दो तो सिपाही था, थाना गाड़ी था, किसको जो मोटरसाइकिल वाला बाइक वाला था ना जो एक्सीडेंट किया था उसको लेके चला गया।
नालंदा के घुसरावा गांव स्थित आशा देवी मंदिर में नवरात्र के अवसर पर महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। बता दें कि घुसरावा गांव में मां आशा देवी का भव्य मंदिर है। इस मंदिर में नवरात्र के अवसर पर माता की विशेष पूजा होती है, जिसे वाम पूजा या तंत्र पूजा कहा जाता है। नवरात्र के अवसर पर लोग तंत्र की सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जिसके कारण नवरात्र में 9 दिनों तक इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जाती है। शायद पूरे विश्व का यह माता का पहला मंदिर होगा जहाँ महिलाओं के प्रवेश पर सदियों से पाबंदी लगी है। कर लेते हैं, ये लोग कर रहे हैं, बाबा को करते हैं। तो मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी जिनको आशा पूरी करते हैं, जो जिस भाव से यहाँ आते हैं उनका सभी मनोरथ पूर्ण होता है। और यहाँ आज से नवरात्र शुरू हुआ है। नवरात्र में औरतों का प्रवेश प्रतिपदा से लेकर विजयादशमी के 10 बजे रात्रि तक माने आरती तक के औरतों का प्रवेश वर्जित रहता है। इसलिए यहाँ तांत्रिक पूजा होता है, तंत्रयान है, इसे तांत्रिक पूजा के कारण औरतों का प्रवेश वर्जित। बिहार थाना इलाके के कागजी मोहल्ले में मानसिक रूप से तनाव में चल रही एक महिला ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने बताया कि बार बार बीमार रहने के कारण वह पिछले कई माह से अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। मृतका की मां इंदु देवी ने बताया कि बीमारी की वजह से ससुराल वालों ने उसे मायके पहुँचा दिया था। मायके ने आने के बाद वह तनाव में चल रही थी। नहीं रखता था, दुगो नाती के पाले तब पर भी नहीं देखा कि जे अपने से इसको जिरी मनी तबियत खराब था, नहीं खाना उना बनाती थी, थोड़ा तो सास उसकूल करोस करता था सब। चंडी थाना इलाके की केसौर गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। गनौरा भरने के लिए गए तो उधर से जो कि गोली चला दी। नंदलेश विवाद था, वही जमीन के विवाद था, जमीन का विवाद था, घर मजरुआ जमीन का विवाद, कितना जमीन का विवाद था, मजरुआ जमीन का नापल है। अच्छा, 6-7 कट्ठा तो है। नालंदा में महज चारा कल मशीन को दूसरे जगह लगाने के विवाद में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी को लाठी डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना कतरी सराय थाना इलाके के मायापुर गांव की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। जी सर, ये चारा कल के वजह से सर जी जो मामला था उसमें चारा कल के ले जाने के वजह से जो है उसमें झमेला हुआ दोनों भाई में, पहले फिर मेरी पत्नी आई बचाने के लिए। इसे मारपीट पकड़ धकड़ हो रहा था वहाँ पे, मारपीट मतलब कि हाथापाई हो रहा था, उसी वजह से हमारी पत्नी आई वहाँ पे और इसे जो है बचाने के लिए। और उसी मामले में जो है सर जी पट्टा निकाला मेरा बड़ा भाई और मेरी पत्नी के ऊपर मार दिया 2 पट्टे और वहीं एक्सपायर डेट कर गई सर। यही पता चला कि मतलब दोनों भाई मशीन के चारा मशीन के चलते मतलब कि दोनों हाथापाई कर रहा था, हमारे लिए उसको दौड़ा पट्टा लेके पत्नी इसका आया उसी को चला दिया थी पट्टा, मर गई। आरोपी पकड़ाया है कि नहीं? आरोपी पकड़ा है। बेगूसराय में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम राहुल कुमार लगातार जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस कड़ी में डीएम ऑफिस से सैकड़ों दिव्यांगों के द्वारा ट्राई साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को डीएम राहुल कुमार और डीडीसी जे प्रियदर्शनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इतना ही नहीं, डीएम और डीडीसी के 7 अधिकारियों ने ट्राई साइकिल रैली में पैदल भाग भी लिया। इसके साथ ही गांधी स्टेडियम में नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत और ट्राई साइकिल रेस करा मतदान जागरूकता को लेकर अभियान चलाया गया। दही चला जाए तो चलती
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार का जो मतदान होना है उसको एक्सेसिबल इलेक्शन सुगम मतदान के थीम पे आयोजित किया जाना है। इसके अंतर्गत जिले में लगभग 15,000 हमारे ऐसे मतदाता हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनके लिए सभी मतदान केंद्रों पे चिन्हित करके आवश्यक कार्रवाई की गई है, सुविधाएँ दी गई हैं। और जो हमारे NCC के स्काउट एंड गाइड के कुछ वॉलंटियर्स रहेंगे, जो ऐसे हमारे मतदाता रहेंगे PWD, उनको असिस्ट करेंगे। रैंप सभी मतदान केंद्र पर निश्चित रूप से हमने प्रोवाइड किया है, और कम से कम 100 बूथों पे जहाँ पे लोकोमोटर डिसेबिलिटी के केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे हम लोग व्हील चेयर भी प्रोवाइड करेंगे। और जितने भी PWDs हैं इन्होंने रैली के माध्यम से विभिन्न तरह के खेलकूद के आयोजनों के माध्यम से ये एक संदेश देने की कोशिश की है कि जब हम सभी लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं तो आप सभी लोग निश्चित रूप से जो भी वयस्क लोग हैं 29 अप्रैल के दिन मतदान केंद्र पर आएँ और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बाढ़ प्रशासन पर अनंत सिंह के आरोप को लेकर बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई है। मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह के इस आरोप पर JDU ने भी पलटवार किया है। JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि निर्दलीय विधायक के रूप में अनंत कुमार सिंह का कांग्रेस प्रत्याशी नीलम देवी के लिए वोट मांगना दल बदल कानून के दायरे में आता है। अनंत सिंह के यदि इस कानून की जानकारी नहीं है तो किसी वकील से सलाह लेना चाहिए। JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने अनंत कुमार सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि वे पढ़े लिखे नहीं हैं तो फीस देकर अच्छे वकील से जानकारी ले ले कि उन पर यह कानून लागू होता है या नहीं। अनर्गल आरोप लगा कर करके ज्ञान की कमी है। मनोहर पोथी तो पढ़े नहीं, कखा कखा आता नहीं है। चुनाव आयोग को प्रतिवेदन दीजिए अगर कोई साक्ष्य है तो, और संगति का क्या असर होता है। कह रहा है कि सही हमारे कार्यकर्ता जो डबल मर्डर का एक्यूज होगा, जो अपने गांव के लोगों की हत्या का आरोपी होगा वह है कार्यकर्ता। इनके कार्यकर्ता है शराब पी करके रोड पर नंगा नाच करें, अब पुलिस पकड़ के उसको जेल भेज दे तो कहें कि ये तो अनंत सेना है। यह ऐसी सेना आपको मुबारक हो। मुंगेर की जनता चैन और सुकून से रहना चाहती है और इसी बार पड़े हैं घन चक्कर में। अभी तक तो बंदूक का ताकत दिखा रहे थे ना, कलम के ताकत का भी एहसास होगा। पता है ना जानकारी कि निर्दलीय विधायक को किसी भी दल के लिए वोट मांगने का अधिकार नहीं है, दल बदल कानून है। मंगनिया वकील से सलाह लेकर रहे क्या, वकीलों को छूछे, एक रुपया देना लेना नहीं है तो वकील से सलाह ले लीजिएगा और आपको एहसास हो जाएगा कि कलम की ताकत क्या होती है। क्योंकि अभी आपको सलाह दिया कि आप निर्दलीय विधायक हैं दल से लड़िएगा तो आप भाग खड़े हुए सिक्किया पहलवान, कहा तो अखाड़ा में कह रहे थे कि हम ही लड़ेंगे चुनाव, और दूसरे की का परिवार जब लड़ रहा था तो कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। आज लज्जा नहीं लग रहा है, आज लज्जा महसूस होता है कि नहीं। इमोट्स जो घुमा रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं, तो सार्वजनिक जीवन लोक लाज पर चलता है। कोई आज़ादी की लड़ाई लड़कर के आप नहीं गए हैं, और 22 मुकदमे का अभी खुद आप हैं और दूसरे के बारे में आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मेरा सलाह होगा कि अगर जनता समर्थन नहीं दे रही है तो मानसिक तनाव में नहीं रहिए, क्योंकि हम लोग से जब लड़िएगा ना तब परमानेंट ब्लड प्रेशर रहेगा, अस्थाई रूप से ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाइएगा। इसलिए मेरा सलाह है कि जनता से निवेदन करिए, धैर्य रखिए।
बक्सर बहुजन समाज पार्टी लोकसभा क्षेत्र बक्सर के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन चरित्र वन जेल मोड़ के समीप स्थित साधना कुंज में किया गया। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में बसपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भारत प्रसाद बिंद ने कहा कि अभी कोई गठबंधन का सहयोग नहीं है। बसपा पार्टी पूरे बिहार से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी तंज कसते हुए कहा कि बक्सर संसदीय क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी सुशील कुशवाहा एक सेवक है, चौकीदार नहीं। चौकीदार तो सो जाते हैं और सारा माल चोरी हो जाता है। पैनल बनाकर मान्या बहन जी से राय सलाह विचार विमर्श करके मान्या बहन जी जब राय देगी वैसा वैसा हम लोग घोषित करते हैं। बक्सर संसदीय क्षेत्र से सुशील कुशवाहा जी मान्या बहन जी के यहाँ जाकर आशीर्वाद प्राप्त कर लिए हैं और विधिवत हम लोग अभी 31 मार्च को हम लोगों ने घोषणा कर दी है उनके प्रत्याशी। इस क्षेत्र से क्या उम्मीद है आपको, क्या लग रहा है? ये सीट जो है सदा बहुत थोड़ा थोड़ा सा वोट के अंतर में हम रहे हैं, लेकिन हमारे वर्कर पदाधिकारी जितने भी हैं सर्व समाज के लोगों का हमें समर्थन है। ये सीट हम जीत कर यहाँ से मान्या बहन जी के हाथ को मुख्य इस क्षेत्र के हमारे जो सांसद हैं के जो प्रत्याशी हैं अगर ये जीत कर जाते हैं, यहाँ की जनता इनको जीत दिलाती है, तो ये चौकीदार नहीं बराबर ता उम्र ये जो है सेवक बनकर सेवा करते रहेंगे और यहाँ की जो मूलभूत विकास की बातें हैं सभी विकास के लिए अग्रणी रहेंगे। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।